नमस्कार छात्राओं, आज तुम सब लोग हमारी हिंदी कक्षा के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले की तरह आज भी हमारा पाठ कविता पाठ शुरू करने की तैयार है। इति वेनदवागे मादा तो यालवा आदरें पिलिगान्नवा हिंदी पांतियट इति अद अपि अपे निर्देशित ग्रंथे मंथन पुस्तक वाले हिदिये का अभिमान नामक पाठ देखाभिमान के पाठम तमय कविता पाठम तमय अद्यपट दिरीपत् आदरणीय दियन वरुदान्नवा मे कविय द्वारिका प्रसाद द्विवेदी तमय लियलती है। उसके एक अभिमत के अनुसार देखाभिमान का अर्थ है पहनक आबडांबर्य पहनक आलोक्य इतिम पहनक के अन्य अपिदान्नवा सामान्य දැල්ුණහම ආලෝකය දෙන දෙයක් පහන මෙන්න මේ විදිහට හිතෙනවා අය මේ විදිහට තමයි කවිය කියලා තියෙන්නේ ජල්ති ජල්ති දීයේකෝ හූ ආයා අභිමාන් ලගා සෝචනේ සූර්ය චంద్ర සේභි මෛ අධික් මහන් ජල්ති සමය දීයේකෝ ඉස්තර සෝචනේ ලගතා හැ පහන පත්තු වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට හිතනවා ඒ තමයි मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ मम इन हदटत् इताम श्रेष्ठ है इताम इद्रेन इन्नवा कियला एवं तपिदान्नवा देंगेम कियन कुट पहन इर मैंने मे विधि हट कियनवा सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश इतिम पहन मैंने मे विधि हट नवतात कियनवा सूरज तो करता है आकर सूरज उदय होता है इरपायनवा सूरज उदय होने के बाद सारा दिन प्रकाश डालता है इरावट पासे मुलु दावसम आलोक मात्रेनवा तब मैं अंधेरा का अंधियारा नेता रात्रि काले अंदुर नेतिकराने मम कियलाई पहन कियाने एवगेम शशि भी मिट नहीं पाता है अंदर का अंधियारा मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा हम जानते हैं रात में चांद आती है अपि दान्नवा रैट सांदा एनवा कियला सांदा आवट पासे रात्रि अंदुर नेति करनवा रात का अंधेरा चांद के साथ मिट जाता है तब सारा वातावरण प्रकाश डालता है मगर हम यह भी जानते हैं कि चांद को कभी अंदर का अंधियारा नेतं अतुलत आंदुर नेतिकरान बे अपे निवसक के अतुल आलोक मत करान नेट हंदट है किया वक ने किया लो बदान नवा इतिंग एनिसा हंद ने पहन नेवतात किये नवा शशि भी मिट नहीं पाता अंधर का अंधियारा मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा ममतमाय निवसक अतुलत आलोक मत कराने इस कमांड में सिर ऊंचा कर लगाम व्योम में दृष्टि अंध अहंकार का की आंखों से वो देख रहा था सृष्टि चांद बहुत गमंड से सृष्टि की तरफ देख रहा है देख रही है क्योंकि वो तुम्हें अंदर का अंधियारा मिट नहीं सकता पहन हंद दिहा बालल कियनवा बहुम अभिमानवत बैलम किम बालल कियनवा उबट बैने अतुलत अंदुर नैतिकराने ममतमय अतुलत अंदुर नैतिकराने कियला एतुकोटम इतने में ही लगा हवां का हल्का जोंका एक सिर नीचा हो गया बुझ गया रही दुएं की रेख अपि दान्नवा हम जानते हैं कि कभी अंधेरा मिट सकता है मगर कोई हवा का हल्का झोंका आता है पुंच सुलन रेल्ला कापु गवां अपि दान्नो पहानेट मुकद वेन्ने कियला पहाने एलिय नेति वेला यानवा पहान निमिल यानवा दीप बुझ जाता है तब केसे प्रकाश देने की इतिंग एहम वेलावक कोहमद एलिय देने इतिंग अपि दान्नवा हंद इर मेवा हेमदाम पावतिन देवल सदातनिक धर्म අපි දන්නව කවදාවත් ඉර හඳව පුංචි සුලන් රැල්ලක් ආවා කියලා ඒ ආලෝකය නැති වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා සූචෝ කියා ආදි තුෆානෝන් කි බිසත ප්‍රයාස. බුජසකේ රවි ශෂි නක්ෂත්‍රෝන් කා හැ කභී ප්‍රකාශ.
කවියා තව දුරටත් කියනවා සෝචෝ කල්පනා කරන්න හිතන්න කය ආදී තුෆානෝන් කේ භී සතත් ප්‍රයාස ආදී තුෆාන් කිල් කියන අපි දන්නෝ කුණාටි සුළුසුලා පුළුවන්ද මොන තරම් ශක්තියක් යෙදුවත් සතත ප්‍රයාස දැඩි ශක්තියක් යෙදුවත් කවදාවත් හැකියාවක් නැහැ ඒ වගේ ඉර හඳ තියෙන ශක්තිය නැති කරන්නට मगर कवि बार बार कहता है यह भी मिट गया हल्का सा जोंका ही दीपक को एक और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख याखियनवा बलन पुंची सुलन रैलकिंग पहाने आलोकी नति मिला गया इतिंग अंतिम टितुरुने मुकद पहन पातुना कियन ए पुंच संकेते पहाने वैटिये अगर रैंदिन कालुपाट पहलम पामनाय इतिंग हम जानते हैं कि कोई लोग अपने आप स्वयं घमंड होता है कोई रूप रंग पर गर्व होता है समारु तमांगी रूपे गेन आडंबर वेना कोई अपनी पढ़ाई के बारे में समारु तमांगी उगत कम गेन आडंबर वेनवा कोई अपने धन दौलत के बारे में एतमय तमांगी वतु वास्तु देवल पिलिबंदव आडंबर वेनवा हबै कविय बार बार यह भी कहता है कि अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम करो बिना अजियारा अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम अभी दानवा अभी आडंबर वेन्नोनी है भाई ये आडंबर वेन्नोनी मुखक निसाद अभी हमक करला हम जो कुछ करके अभिमान होने का कोई बाधा नहीं है हम जानते हैं कि कोई किसी न दुष्परिणाम होने का एक ही मात्र है घमंड होना नहीं तो आडंबर वीम आडंबर खमील लबिन किसी में प्रतिपल याकने इतिं मगे दिए निवर मगे दुअला दानवा अपिक हवदावत पुते अनवश्य आडंबरे कीन बे जीविते टे लांकर गाने पा उबे अमक करला सत्तु वेन्न उबे नाम भवतीने अमक करला आडंबर वेन्न एक तमाय पुते दिए का अभिमान कीन पाडमिंग द्वारिका प्रसाद अपटे देने पानी मिले इति आज हमारा पाठ खत्म है अगले पाठ से हम फिर मिलें नमस्ते।